वेलकम बच्चों, कल हमने एमए फाइनल के पेपर 10C में सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों में रेखीय सिद्धांत पर चर्चा की थी। आज हम सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत पर बात करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि सामाजिक परिवर्तन की गति और दिशा एक चक्र की भांति है, और इसलिए सामाजिक परिवर्तन जहां से आरंभ होता है अंत में घूमकर वहीं पहुंचकर समाप्त होता है। यह स्थिति चक्र की तरह पूरी होने के बाद बार बार इस प्रक्रिया को दोहराती है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास अपने आप को पुनः दोहराता है। परिवर्तन की यद्यपि अनेक अवस्थाएं हैं, परंतु यह एक चक्र की तरह बार बार आती रहती है। चक्रीय सिद्धांत वेत्ताओं सिद्धांतों के विचारानुसार परिवर्तन की प्रकृति एक चक्र की भांति होती है, अर्थात जिस स्थिति से परिवर्तन शुरू होता है परिवर्तन की गति गोलाकार में आगे बढ़ते बढ़ते पुनः उसी स्थान पर लौट आती है। इस चीज को बच्चों हम नोट्स में भी अच्छी तरह से इसका ग्राफ बनाकर इसका चित्र बनाकर इसको और अधिक स्पष्ट रूप से समझेंगे। जहां पर कि वह आरंभ में थी, उदाहरण के लिए आरंभ में आर्थिक जीवन के क्षेत्र में हम साम्यवादी स्तर पर थे। इसके बाद धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत अधिकार की धारणा पनपने के साथ साथ परिवर्तन की गति आरंभ हुई, जिसका कि चरम रूप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया, पर परिवर्तन का क्रम जारी रहा। व्यक्तिगत अधिकार के संबंध में समाज के आदर्शों में परिवर्तन हुए, फलतः आज पुनः हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े हैं। फैशन के क्षेत्र में अनेक कला, संगीत, नृत्य तथा आभूषण आदि के डिजाइन, जो कि बहुत प्राचीन या आदिकालीन समाजों में प्रचलित थे, अनेक परिवर्तनों से गुजरते हुए पुनः आज के समाज में लौट आए हैं। पेरोटो ने सामाजिक परिवर्तन के अपने चक्रीय सिद्धांत में यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि किस भांति राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में चक्रीय गति से परिवर्तन होता रहता है। पेरेटो के अनुसार प्रत्येक सामाजिक संरचना में जो ऊंच नीच का संस्तरण होता है वह मोटे तौर पर दो वर्गों द्वारा होता है, उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग। इनमें से कोई भी वर्ग स्थिर नहीं होता, अपितु इनमें चक्रीय गति पाई जाती है। चक्रीय गति इस अर्थ में कि समाज में इन दो वर्गों में निरंतर ऊपर से नीचे या अधोगामी और नीचे से ऊपर या ऊर्ध्वगामी प्रवाह होता रहता है। इस चक्रीय गति को इस प्रकार समझाया जा सकता है कि जो वर्ग सामाजिक संरचना में ऊपरी भाग में होते हैं वे कालांतर में भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने पद और प्रतिष्ठा से गिर जाते हैं, अर्थात अभिजात वर्ग अपने गुणों को खोकर या असफल होकर निम्न वर्ग में आ जाते हैं। दूसरी ओर उन खाली जगहों को भरने के लिए निम्न वर्ग में जो बुद्धिमान, कुशल, चरित्रवान तथा योग्य लोग होते हैं वे नीचे से ऊपर की ओर जाते रहते हैं। इस प्रकार उच्च वर्ग का निम्न वर्ग में आने या उनका विनाश होने और निम्न वर्ग का उच्च वर्ग में जाने की प्रक्रिया चक्रीय ढंग से चलती रहती है। इसी चक्रीय गति के कारण सामाजिक ढांचा
परिवर्तित हो जाता है या सामाजिक परिवर्तन होता है। इसलिए इसे सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत की गति परिस्थितियों के अनुसार कभी कम और कभी अधिक होती है। भिन्न भिन्न समाज और भिन्न भिन्न समय में सामाजिक परिवर्तन की गति भी भिन्न भिन्न होती है। अपने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को पेरेटो ने दो श्रेणी के में रखा है। पहला है सम्मिलन के विशिष्ट चालक तथा समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक के आधार पर समझाया है। ऐसे कुछ व्यक्ति तथा समूह होते हैं जिनमें की स्थायित्व के विशिष्ट चालक की अधिकता पाई जाती है, तो कुछ में सम्मिलित विशिष्ट चालक का आधिक्य होता है। सामाजिक परिवर्तन इन्हीं दो श्रेणी के विशिष्ट चालक वाले वर्गों की क्रियाशीलता का परिणाम होता है। प्रथम वर्ग, जिसमें सम्मिलन के विशिष्ट चालक का प्रभुत्व होता है, तात्कालिक स्वार्थों पर बल देता है, जबकि दूसरा वर्ग, जिसमें कि समूह के स्थायित्व का विशिष्ट चालक अधिक क्रियाशील होता है, आदर्शवादी लक्ष्यों में विश्वास करता है। पेरेटो के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के चक्र के तीन मुख्य पक्ष हैं, राजनीतिक, आर्थिक तथा आदर्शात्मक। राजनीतिक क्षेत्र में चक्रीय परिवर्तन तब गतिशील होता है जब शासन सत्ता उस वर्ग के लोगों के हाथों में आ जाती है जिनमें समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक अधिक शक्तिशाली होते हैं। दूसरा है आर्थिक क्षेत्र या आर्थिक संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन का प्रश्न। पेरेटो हमारा ध्यान समाज के दो आर्थिक वर्गों की ओर आकर्षित करते हैं। वे दो वर्ग हैं, सट्टेबाज और निश्चित आय वाला वर्ग। पहले वर्ग के सदस्यों की आय बिल्कुल अनिश्चित होती है, कभी कम तो कभी ज्यादा, पर जो कुछ भी इस वर्ग के लोग कमाते हैं वह अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर ही कमाते हैं। इसके विपरीत दूसरे वर्ग की आय निश्चित या लगभग निश्चित होती है, क्योंकि वह सट्टेबाजों की भांति अनुमान पर निर्भर नहीं है। सट्टेबाजों में सम्मिलन के विशिष्ट चालक की प्रधानता तथा निश्चित आय वाले वर्ग में समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक की प्रमुखता पाई जाती है। इसी कारण पहले वर्ग के लोग आविष्कारकर्ता, लोगों के नेता या कुशल व्यवसायी आदि होते हैं। इसी प्रकार आदर्शात्मक क्षेत्र में विश्वास और अविश्वास का चक्र चलता रहता है। किसी एक समय विशेष में समाज में विश्वासवादियों का प्रभुत्व रहता है, परंतु वे अपनी दृढ़ता या रूढ़िवादिता के कारण अपने पतन का साधन अपने आप ही जुटा लेते हैं और उनका स्थान दूसरे वर्ग के लोग ले लेते हैं। इस ढंग से राजनीतिक, आर्थिक तथा आदर्शात्मक क्षेत्रों में परिवर्तन होता रहता है। अभी तक हमने दो सिद्धांतों को पढ़ा, रेखीय और चक्रीय सिद्धांतों में। अब दोनों सिद्धांतों को पढ़ने के बाद हमें इन दोनों सिद्धांतों में क्या भेद है यह बहुत स्पष्ट रूप से समझ आता है। रेखीय सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को एक निश्चित एवं पूर्व निर्धारित मानता है, जबकि चक्रीय सिद्धांत में ऐसी मान्यता अस्वीकार की जाती है। दूसरा, रेखीय सिद्धांत विकासवादी विचारधारा पर आधारित है, जबकि चक्रीय सिद्धांत इस विचारधारा को अस्वीकार करता है। तीसरा है, रेखीय सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन सदैव निरंतर रूप से आगे की ओर होता रहता है, जबकि चक्रीय सिद्धांत के अनुसार इसकी गति चक्रीय होती है। चौथा है, रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है
कि इतिहास अपने आप को कभी दोहराता नहीं है, जबकि चक्रीय सिद्धांत इसके विपरीत इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अतः उपर्युक्त सिद्धांतों के अध्ययन के बाद हमें रेखिक और चक्रीय सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि रेखीय सिद्धांत एक सीधी रेखा में होने वाला परिवर्तन है और चक्रीय सिद्धांत एक चक्र के रूप में होता है। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम सामाजिक परिवर्तन के उतार चढ़ाव के सिद्धांत को देखेंगे। थैंक यू।